नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 29 अक्टूबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। ये मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन सामान्यता जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। परिस्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी, अनुकूलता बनी रहेगी, मन आपका स्ट्रांग रहेगा, शांत रहेगा। कुछ ना कुछ एक स्ट्रांगेस्ट करियर पॉइंट में आप डिसीजन भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए सामान्य तो रहेगा ही, साथ ही साथ आज के दिन आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन भी कार्यक्षेत्र के संदर्भ में ले सकते हैं। और वो महत्वपूर्ण डिसीजन या तो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब चेंज करने का हो सकता है, व्यापार करते हैं तो उसमें एक्सटेंशन या एक्सपेंशन करने का हो सकता है, या एट द सेम टाइम विदेश में सेटलमेंट का भी एक निर्णय आप लेकर आज अपने परिवार के सामने जा सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ा सकता है। तो आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर लंबे समय से कोई पारिवारिक तनाव चल रहा है तो आज का दिन थोड़ा सा आपके लिए सावधानी बरतने का है। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको रिलैक्स रहना है, एकदम से अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। इम्पल्स पे आके कुछ ऐसे कटु शब्दों का, कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें जो सिचुएशन को और वर्स्ट करें। तो कुल मिला के आज का दिन आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, साथ ही साथ वाणी को कंट्रोल करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि परिवार या कोई एक स्पेशल सदस्य आपके परिवार का आपसे हर्ट हो सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। पॉजिटिविटी आपके जीवन में सब तरफ से इंडिकेटेड है। आप अपने लिए जो आपने गोल को निर्धारित किया है, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, चाहे आप अपनी लाइफ को यहाँ से 6 महीने का आगे देखें या साल भर का देखें, वो बिल्कुल आपकी प्लानिंग सही है। बस थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन अभी बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी को चेंज करिए अपने गोल तक पहुँचने की। यानी कि आपको आज के दिन अपने द्वारा बनाई गई स्ट्रैटेजीज़ को, रणनीति को थोड़ा सा आपको वहाँ पर रिव्यू करने की ज़रूरत है, आकलन करने की ज़रूरत है। रिव्यू करेंगे, इंट्रोस्पेक्टिव व्यू में जाएंगे तो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा आपको अराइज होती हुई समझ में आएगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पिता या पिता तुल्य किसी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता हो सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। और परिवार में भी कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति आपको मानसिक तनाव भी दे सकती है, यानी कि परिवार से जुड़े हुए किसी सदस्य के थ्रू कुछ ऐसा आपको सुनने को मिल सकता है जिससे आपका मेंटल टेंशन या तनाव बढ़ सकता है। लेकिन आज के दिन आपको एकदम सिचुएशंस को नॉर्मली हैंडल करते हुए, सिचुएशन या अवस्था के दूसरे प्रस्पेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए एकदम से रिएक्शन नहीं देना है, आराम से रहना है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आज के दिन ज्यादा ध्यान देना है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से एरर्स हो सकते हैं जहां पर कार्य क्षेत्र में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, खास तौर पे अगर रिटन में कम्युनिकेशन करते हैं तो। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज का दिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परिस्थितियां आपके फेवर में आ सकती हैं, सोच के समझ के परिस्थितियों को अनुकूल करके, मन को स्ट्रांग करके इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आपके मन में कल सेकेंड थाट्स आएँ, तो सारी चीज़ों को रिव्यू करके ही आगे बढ़ें। जब सब तरफ से आपको क्लैरिटी मिलती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अब चीज़ों को एड्रेस कर सकता हूँ, तो उसे लीजिए, पॉजिटिविटी इम्ब्रेस करिए और आगे बढ़ते चलिए। आपको अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन परिवार का सपोर्ट मिलता रहेगा, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, साथ ही साथ फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने का भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट, इन्फॉर्मेशन, सूचना या संकेत आज के दिन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपका मन स्ट्रांग रहेगा, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, अनुकूलता बनी रहेगी, पारिवारिक स्थिरता रहेगी। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव, ऋण की अवस्था या कोई लीगल बैटल अगर आप फाइट कर रहे हैं ऑल टुगेदर एज अ फैमिली, वहाँ पर भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आज के दिन जो लोग घर चेंज करने के इच्छुक हैं या प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं, वो परिस्थितियां उनके लिए अनुकूलतम सिचुएशंस या अवस्थाएं लेकर आएंगी। आज का दिन परिवार के साथ बिताया गया समय आपके लिए कहीं ना कहीं यादगार बनाकर जा सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन सामान्यता जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से पॉजिटिविटी आप एम्ब्रेस कर सभी तथ्यों को एक साथ
लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक परिस्थिति ला सकते हैं, अनुकूल चीज़ों को समेटते हुए, लोगों का कोऑपरेशन लेते हुए, कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर जो आप प्रोफेशनली भी चल रहे हैं, दैट इज़ हाईली कमेंडेबल। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं काबिले तारीफ़ है, इसी तरह से इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलते रहिए। परिवार में भी स्थिरता बनी रहेगी, कुछ खास आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, तो कुल मिला के सामान्यता आज के दिन माना जा सकता है। सूझबूझ का परिचय दीजिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय आज के दिन ना लीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए एक सामाजिक अगर तौर पे मैं देखूं, कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे, समाज को अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कामकाज के साथ साथ आप कुछ एडेड कोई एक्टिविटी में भी आप पार्टिसिपेट करें, या फिर आप अपने जो आपकी हॉबीज़ हैं या पैशंस हैं उसको परस्यू करना चाहते हैं, तो काफ़ी आज का दिन आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। कुल मिलाकर आपको आपके लिए मी टाइम भी आज के दिन मिलेगा, साथ ही साथ समाज के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। कंस्ट्रक्टिव अगर आपका दिमाग चले तो आप परिस्थितियों को अपने फेवर में ला सकते हैं, साथ ही साथ मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज की अवस्थाएँ, चुनौतियाँ भी आप आज के दिन हैंडल कर पाएंगे और अवस्थाएं आपके सामने खूबसूरत तरीके से आएंगी। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है, अगर आप उसको टैक्टफुली हैंडल करें तो। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। हायर एजुकेशंस अगर आप करना चाहते हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेशंस अगर आप लेना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन की तरफ अगर आपका रुझान है, इंटरेस्ट है, और आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि आपको करना चाहिए, विदेश जाने की अगर आप इच्छुक हैं या फिर वहाँ सेटलमेंट की सोच रहे हैं, तो वह परिस्थिति आपके लिए अब अच्छी बननी शुरू हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे, रिकग्निशन भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा हेक्टिक या लॉन्ग वर्किंग आवर्स आज के दिन हो सकते हैं, खासतौर से सेकेंड हाफ के दौरान, तो वहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज दिन इज योर द एंटायर डे इज सॉर्टेड, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, समय पर भोजन करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स ना हों। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। नया प्रोजेक्ट, नई अवस्था, नई सिचुएशन, नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आज के दिन फाइनेंशियली आपको और ज़्यादा मजबूत करके जा सकती है। स्पेशली जो लोग नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं, या बिजनेस या निजी व्यापार है उसमें कुछ नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाहते हैं, या एक्सपेंशन के दायरे से गुजर रहे हैं, वो परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकती हैं। काम आपका अच्छा चलेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, कुल मिला के सिचुएशंस अवस्थाएँ परिस्थिति को अपने फेवर में कर पाएंगे, कुछ नया भी कर पाएंगे परिवार के लिए, और परिवार में अगर लंबे समय से कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो भी अब पॉजिटिविटी आपके फेवर में आएगी। साथ ही साथ आज के दिन अगर मैं देखूं, आपको अपनी परिस्थितियों को और स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ नया भी आप अपने लिए सीख सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए समानता रहेगा, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, लोग आपके काम की कार्यक्षेत्र में तारीफ करेंगे, कोऑपरेटिव अगर आप होकर चलेंगे, कैंडिड और क्रिस्टल क्लियर अगर आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन रखेंगे तो परिस्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी, लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे और रिकग्निशन भी आपको प्रोफेशनल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी चेंज करने के इच्छुक थे, वहाँ पर आपको दिशा देखने को आज के दिन मिल जाएगी, आपके मेंटोर गुरु या गुरुतुल्य किसी सदस्य से आपको बहुमूल्य राय मिल सकती है, जो कि उनके फॉलो किए हुए दिशा निर्देश को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्रोफेशनली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन हो सकती है। लंबे समय के लिए अगर आप अपने करियर की फोरकास्टिंग करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है, आपको अपने लिए बहुत ही एक मजबूत स्ट्रैटेजी आज के दिन तैयार करने की ज़रूरत है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन सामान्यता जाएगा, साथ ही साथ आज के दिन आप सभी उन पेंडिंग मैटर्स को एड्रेस भी कर पाएंगे जो इतने दिनों से पेंडिंग चल रहे थे, खासतौर पे अगर फाइनेंशियल मैटर्स हैं, साथ ही साथ परिवार से संबंध रखते हुए मैटर्स भी, परिवार के साथ जुड़े हुए लोग आपका सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपकी निर्णय का मान्य रखा जाएगा, आपको लूप में लेकर ही मेजरली सारे डिसीजंस होंगे, तो कुल मिला के परिवार में भी एक नई अवस्था जनरेट हो सकती है। कोई पारिवारिक तनाव अगर चल रहा था, लीगल बैटल चल रही थी, या फिर परिवार में कोई बीमारी चल रही थी, वो भी अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए सामान्यता रहेगा, कुछ खास महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के संदर्भ में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको आज के दिन अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।